जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल PS स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो सभी इग्नू स्टूडेंट्स के लिए खास होने वाला है, खास तौर से उनके लिए जिन्होंने पहली बार इग्नू यूनिवर्सिटी से किसी कोर्स में अपना एडमिशन लिया हो। आज का ये वीडियो हमारे एक सॉल्व असाइनमेंट्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इग्नू में असाइनमेंट एक कंपल्सरी पार्ट है। तो असाइनमेंट किस प्रकार से तैयार किया जाता है, क्या होता है असाइनमेंट्स में, कैसे सबमिट करते हैं, कैसे लिखते हैं, तमाम जानकारियों को इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इग्नू रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का हमारा वीडियो है MPS 001, जिसका विषय है राजनीतिक सिद्धांत और सेशन है 2023 और 2024। तो अगर आपने जुलाई 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक अपना एडमिशन लेते हैं, वो भी MA पॉलिटिकल साइंस कोर्स में, तो ये वीडियो आपके लिए खास हो जाता है। फर्स्ट ईयर में देखिए आपके चार सब्जेक्ट होते हैं, MPS 1, 2, 3 और 4। इन चारों ही सब्जेक्ट के आपको असाइनमेंट्स बनाने जरूरी होते हैं। इग्नू में अगर हम असाइनमेंट्स के वेटेज की बात करें तो 30% इसका वैल्यू होता है और एग्ज़ाम का 70%। इन दोनों को कंबाइन करके जोड़ के आपकी फाइनल मार्कशीट रेडी की जाती है। तो इसको आप बिल्कुल लाइटली ना लें, ये एक आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सभी स्टूडेंट इसको ज़रूर बनाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इस असाइनमेंट को आपको आखिर जमा कब और कहाँ कैसे करना होता है। तो मान लीजिए अगर आपने जुलाई 2023 के सेशन में अपना दाखिला लिया है, तो आपको इस असाइनमेंट्स को मार्च 2024 में सबमिट करना होगा। इसमें आगे आपको डेट में चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर आप जनवरी 2024 में एडमिशन लेते हैं, तो इसी असाइनमेंट्स को आपको सितंबर 2024 में जमा करना होगा। यानी एक असाइनमेंट दो सेशन के छात्रों के लिए वैलिड माना जाता है। यहाँ अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर, और सबसे पहले आपको एक नोट दिया गया है जिसमें आपको ये कहा गया है कि किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए और प्रत्येक भाग से कम 2 प्रश्न के उत्तर अनिवार्य हैं। तो इस प्रकार से 2 भागों में आपको टोटल 10 प्रश्न दिए गए हैं। आप किसी एक भाग से 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन कर सकते हैं और दूसरे भाग से भी 2 या 3 का रेशियो रखेंगे और टोटल आपको 5 करने होंगे। तो हम यहाँ पे आपके लिए ये 5 सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि हमारे एक स्टूडेंट ने ऑर्डर किया है। इसी तरह का अगर आप रेडी टू सबमिट असाइनमेंट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए समझ लेते हैं इस असाइनमेंट्स को। तो देखिए ये असाइनमेंट हैंड रिटन है, यानी वो फाइल जिसे आप डायरेक्ट ही अपने सेंटर में सबमिट कर पाएंगे। इसकी ओरिजिनल कॉपी को स्टूडेंट के पास स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजा जा चुका है, और आप भी इस तरह की कॉपी चाहते हो तो व्हाट्सएप पे जरूर कांटेक्ट करें ऑर्डर करने के लिए। यहाँ आपको सभी रिक्वायर्ड 5 सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए गए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद से भी आप इन असाइनमेंट्स को प्रिपेयर कर पाएंगे। लिखने के लिए देखिए आप यहाँ पे हमने रूल शीट का यूज़ किया है, जो लाइन वाली शीट है। आप चाहें तो प्लेन शीट का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, जो आपसे कहता है अधिकारों की प्रकृति की चर्चा कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया है अधिकार का अर्थ, कि अधिकार क्या होता है, इसकी कुछ परिभाषाएं जो कि पॉलिटिकल थिंकर्स के द्वारा, विद्वानों के द्वारा दी गई है, उनको कवर किया गया है और इन सभी को ब्लैक पेन से लिखा गया है, तो इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट पार्ट पूछे गए हैं उन सभी को कवर किया है। तो इस तरह से ये आपका असाइनमेंट एक अच्छी हैंडराइटिंग में नीट एंड क्लीन हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप चाहें तो इसको बहुत ही स्लो हम स्क्रॉल कर रहे हैं, इसको देख के खुद से लिख सकते हैं। लिखने का अगर आपको मैं बेसिक आइडिया दूं, तो देखिए इसके लिए आपको सिंपल कोई भी शीट ले सकते हैं। क्वेश्चंस को आप जो है ब्लैक पेन से लिखेंगे, हेडिंग्स को भी ब्लैक पेन से लिखेंगे, और बाकी कंप्लीट आंसर आपका ब्लू पेन से लिखा जाएगा। इसमें आप किसी भी प्रकार का कलर करने की कोशिश ना करें, ना ही इसके लिए आपको किसी महंगे शीट, जो कलरफुल डिज़ाइनर शीट्स आती हैं, उसको इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। मार्क्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट है आपका कंटेंट, आपकी हैंडराइटिंग,
कितने साफ सुथरे तरीके से अच्छे से आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आंसर में आपने इंपॉर्टेंट हेडिंग्स को कवर किया है या नहीं किया है, ये सारी चीज़ें मायने रखेंगी और उसी को ध्यान में रखते हुए ये असाइनमेंट्स आपके लिए प्रेजेंट किया जा रहा है। ये असाइनमेंट जो है, देखिए इसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा ही तैयार किया गया है और मैं अपने बारे में अगर आपको बताऊं तो इग्नू से मैं भी मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस अपना कंप्लीट कर चुका हूं और मेरे को कोर्स कंप्लीट किए हुए अराउंड 4 ईयर हो चुका है। तो इस लिहाज से मैं आपको जो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा बिल्कुल मेरे नॉलेज से एक्यूरेट और सही आंसर होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बेस्ट क्वालिटी आंसर मिले तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल के थ्रू कॉन्टैक्ट करके किसी भी सब्जेक्ट कोर्स का असाइनमेंट परचेज कर पाएंगे। आपके कंप्लीट कोर्स के लिए हमारा चैनल वर्किंग रहेगा, आपके सभी समस्याओं के लिए हम आपका सहयोग करेंगे। आपका इग्नू रिलेटेड कोई भी डाउट हो हमें कमेंट करें, हम सभी कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करते हैं। असाइनमेंट आपको सॉल्व PDF के रूप में भी मिल जाएगा, अगर आप उससे देख कर लिखना चाहते हैं तो भी आप हमें WhatsApp पे मैसेज कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इसका कंप्लीट सीरीज जिसमें हम MPS 1 से लेकर MPS 4 तक के सभी असाइनमेंट्स को कवर करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा तो उसको आप चेक कर ले। और जल्द ही हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी असाइनमेंट्स अपलोड करेंगे, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आपको भी असाइनमेंट्स अपना टाइमली मिल जाए। मार्केट में देखिए बहुत टाइप के आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, तो आप कहीं से भी लेते हैं तो एक बार कंटेंट को जरूर चेक करें, वेरीफाई करें कि क्या वो जो आंसर्स लिखे हैं सही लिखे हैं या नहीं लिखे, उसके बाद ही आप कहीं से भी परचेज करें। ये असाइनमेंट्स देखिए 100% एक्यूरेट है, सारे आंसर्स इसके सही हैं। इस आंसर्स के लिए हमने जिन मटेरियल्स का यूज़ किया है वो इंटरनेट के थ्रू किया है, आपके बुक्स इग्नू की जो बुक है मेन उसका यूज़ किया गया है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस की जो अदर बुक्स आती हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, उन सभी को यूज़ करके ये आंसर आपका प्रिपेयर किया गया है। आई होप आपको कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लेते हैं जो कि आपके असाइनमेंट सबमिशंस को लेकर होता है। मान लीजिए आपने अपना असाइनमेंट रेडी कर लिया होगा और अब बात करते हैं कि उसे आप सबमिट किस प्रकार से करेंगे। तो सबमिशन के लिए देखिए होता यह है कि कुछ सेंटर आपको ऑनलाइन का ऑप्शन देते हैं और कुछ जो है ऑफलाइन का देते हैं। अगर परसेंटेज की बात करें तो मोस्टली देखें कि 80% सेंटर जो है ऑफलाइन मोड से लेते हैं और 20% सेंटर ही ऑनलाइन मोड से लेते हैं। तो इसके लिए आपको अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट विजिट करनी होगी या फिर आप अपने सेंटर से जाकर पता करके आएंगे। अगर ऑफलाइन मोड से हो रही है तो आप संडे के दिन, किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हो, केवल संडे और सैटरडे के दिन ही असाइनमेंट्स ये सबमिट होते हैं, तो आप इसको ऑफलाइन जाकर सबमिट कर पाएंगे। ऑनलाइन हो रहा होगा तो उसके लिए या तो आपको जीमेल आईडी प्रोवाइड करवाई जाएगी जहां आप इसे मेल करेंगे, और मोस्टली आपको देखने को मिलेगा कि गूगल फॉर्म के द्वारा ये असाइनमेंट एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो इन दोनों ही तरीकों को आप चेक कर सकते हैं। सबमिशन से पहले जो भी नोटिफिकेशन आएगी सेंटर के द्वारा वो मैं पहले ही आपको चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवा दूंगा, बता दूंगा, तो इसलिए जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां देखिए हम 15 पेज तक पहुंच चुके हैं। इस आंसर्स की अगर हम कंप्लीट बात करें तो ये 30 पेजेस का अराउंड होगा, जो कि आपको जो वर्ड लिमिट दिया गया है उसको क्रॉस ही करता है, उससे कम नहीं है, उससे ज़्यादा ही कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। अब आप इस सॉल्यूशन को कंप्लीट देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।